आजकल सोशल मीडिया पे एक टॉपिक बड़े जोरों शोर से चल रहा है, वो है एरिया 51। हाल ही में एक शख्स ने फेसबुक पे एक इवेंट क्रिएट किया है जो है स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, यानी एरिया 51 चलते हैं वो हम सबको नहीं रोक सकते। और अभी तक 1.6 मिलियन लोग इस इवेंट का हिस्सा बन चुके हैं, यानी 16 लाख लोग इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं। बहुत टाइम से एरिया 51 दुनिया के लिए चर्चा का एक विषय बना हुआ है। कई लोग कहते हैं कि एरिया 51 में एलियंस को बंदी बनाकर रखा गया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एरिया 51 के बारे में सुना होगा, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एरिया 51 क्या है और उसके पीछे छुपे हुए राज क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एरिया 51 और एलियंस को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और तर्कशास्त्री बहस कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि उनका अस्तित्व है, तो कई वैज्ञानिक इसको इनकार करते हैं। एलियंस को लेकर ये दिलचस्पी अभी 100 साल पुरानी ही है। 100 साल पहले तक कोई भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जैसे जैसे 20वीं सदी में विज्ञान और अंतरिक्ष के कार्यों ने जोर पकड़ा है तो एलियंस पर भी बहस चालू हो गई। पहले जानते कि एलियंस कहते किसे हैं। एलियंस किसी दूसरी दुनिया या एक ऐसी जगह से आए हुए प्राणियों को कहते हैं जो जगह हमारी धरती पर नहीं है। किसी दूसरे ग्रह और किसी दूसरे ही सौरमंडल से आए प्राणी को हम एलियंस कहते हैं। वैसे तो कई बार लोगों ने एलियंस को देखे जाने का दावा किया है, पर इन पर कभी पुष्टि नहीं हुई। ज्यादातर तो झूठे दावे बनकर ही रह गए। एलियंस के ऊपर शोध करने वाले कुछ वैज्ञानिक अलग ही दावा करते हैं। उनके मुताबिक एलियंस इस धरती पर आए हैं और उन्हें किसी खास जगह पर रिसर्च के लिए कैद करके रखा हुआ है। यह खास जगह उत्तर अमेरिका के शहर लॉस वेगास से 80 मील दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस सीक्रेट जगह को एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई बहुत ही रहस्यमयी जगह है। इसके बारे में वहाँ की सरकार भी कुछ नहीं बोलती। यह इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रह से आए एलियंस के ऊपर शोध का कार्य किया जाता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने कई बार यहाँ पर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ को उठते देखा है। साल 1947 में किए गए एक दावे के मुताबिक इस जगह पर एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें से एक एलियन का शव भी बरामद हुआ था। ये एलियन 4 फुट का था और अनगढ़ मानव जैसा दिखता था। कहा जाता है कि एरिया 51 के किसी हिस्से में अब भी उस पर रिसर्च चल रही है। इस जगह के बारे में इतनी गोपनीयता बरती गई है कि अमेरिका सरकार के किसी भी नक्शे तक में इसकी कोई जानकारी नहीं है। और काफी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया था तो उसे तुरंत बदल दिया गया और उसकी जगह दूसरा नक्शा लाया गया, क्योंकि अमेरिकी सरकार नहीं चाहती कि एरिया 51 के बारे में किसी को पता चले। अगर यहाँ आपकी जान एलियंस और न्यूक्लियर हथियारों से बच जाए तो भी आप खतरे से बाहर नहीं है। दरअसल इस जगह पर कई जहरीले मटेरियल अनसेफ तरीके से डंप किए गए हैं। इसी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को स्किन डिजीज से लेकर कैंसर तक हो जाता है। एरिया 51 एक ऐसा स्थान है जो आम आदमियों के जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस इलाके के चारों तरफ बाड़ लगाया गया है जिससे कोई भी जानवर या इंसान गलती से या धोखे से अंदर नहीं घुस सके। बाड़ों के चारों तरफ अत्याधुनिक हथियार से लैस सुरक्षा कर्मी घूमते रहते हैं। इस एरिया के आसपास जिन भी लोगों के घर थे उन्हें अमेरिकी मिलिट्री फोर्स ने जबरदस्ती खाली करवा दिए थे। वजह किसी को नहीं बताई गई, लेकिन जिन्होंने भी ये जगह खाली करने से मना किया उन्हें बंदूक की नोक पर डराकर ऐसा करवाया गया। इस जगह पर कई तरीके के प्रतिबंध लगे हुए हैं। सरकार इसे अक्सर टॉप सीक्रेट ही रखना चाहती है। यहाँ पर लगे होर्डिंग पर लिखा होता है किसी भी प्रतिबंधित आदमी के देखते ही गोली मार दी जाएगी। सोचिए अगर ऐसे में 16 लाख लोग इस जगह पर जाते हैं तो क्या होगा। अब जानते हैं कुछ फैक्ट्स एलियंस के बारे में। खगोल विज्ञानी मार्गरेट ट्रम्बल और जिल टार्टन ने ऐसे 17,129 तारों और उनके मंडलों का चयन किया है जहां पर एलियंस या जीवन की कोई संभावना हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी ग्रह पर जीवन तब ही हो सकता है जब वो ग्रह करीब 3 अरब साल पुराना हो। किसी भी नए ग्रह में शायद जीवन इसी कारण से आज तक नहीं मिल पाया है। साल 1960 में फ्रैंक ड्रेक नामक एक वैज्ञानिक ने एलियन से पहली बार संपर्क करने की कोशिश की थी। उस समय करीब 85 फुट का रेडियो डिश इस्तेमाल किया गया था ताकि उनके द्वारा आने वाले सिग्नल को सुना जा सके। हर साल ना जाने कितनी यूनिवर्सिटीज में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिसे वह लोग एलियन से संपर्क कर पाए, पर एलियन से हर बार निराशा ही हाथ लगती है। एलियंस केवल वो नहीं जो हम फिल्मों में देखते हैं,
एलियंस किसी भी तरह के जीव, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो आकार में पृथ्वी के किसी भी जीव जैसे हों। अब तक कई निजी प्रोजेक्ट्स में करीब 1000 से ज्यादा तारों को जांचा जा चुका है कि वहाँ एलियंस होने के कोई सिग्नल है या नहीं। एलियंस से संपर्क करने में हर साल करीब $50 लाख खर्च होते हैं। एलियंस एकमात्र ऐसा विषय है जिसे लेकर हर साल ना जाने कितनी रिसर्च और थ्योरी आती है। वैज्ञानिकों ने भी इसे लेकर कई प्रकार के मतभेद दिए हैं। अगर देखा जाए तो अगर एलियंस का अस्तित्व है ही नहीं तो एरिया 51 को इतना गोपनीय रखा क्यों गया है और असल में वहाँ होता क्या है? इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो तभी मिल सकती है जब कोई आदमी वहाँ तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने विचार बताना ना भूलें।